राहुल द्रविड़ आज इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बन चुके हैं। साल है 2021, महीना है नवंबर, परमानेंट कोच राहुल द्रविड़ बन चुके हैं। बहुत कम लोग जानते हैं राहुल द्रविड़ 11 मैच स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के लिए भी खेल चुके हैं। कुछ लोगों को ये बात पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि राहुल द्रविड़ को स्कॉटलैंड के लिए खेलना पड़ा। वो तो इंडिया के सबसे लेजेंडरी क्रिकेटर थे 2003 में भी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल में स्कॉटलैंड की टीम उसी वक्त सेकंड डिवीजन लीग में प्रमोट हुई थी और स्कॉटिश क्रिकेट यूनियन किसी इंडियन क्रिकेटर को अपने लिए 2 महीने के अपनी टीम में 2-3 महीने के लिए चाहता था। BCCI से परमिशन ले ली गई थी और वो चाहते थे कि कोई भी एक क्रिकेटर उनकी टीम में खेले। चाहते तो वो ज़्यादा थे लेकिन परमिशन एक ही मिली। और इसके बाद स्कॉटिश क्रिकेट यूनियन की पसंद थे सचिन तेंदुलकर। भला सचिन तेंदुलकर किसकी पसंद नहीं होंगे 2003 में, सचिन तेंदुलकर उनकी पसंद थे। और इसके लिए इंडिया के कोच जॉन राइट को अप्रोच किया गया। राहुल द्रविड़ की तब नई नई शादी हुई थी और वो काउंटी क्रिकेट भी खेलने जाने वाले थे। उसके बाद जॉन राइट ने कहा कि सचिन तेंदुलकर तो नहीं खेल पाएंगे लेकिन आप राहुल द्रविड़ को ले सकते हैं। राहुल द्रविड़ 1999 में वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के टॉप स्कोरर थे। 2003 के वर्ल्ड कप में 60 ही औसत से रन बनाए थे, 450, और अहम भूमिका निभाई थी टीम को फाइनल तक पहुँचाने में। अब इस ऑफर को भला स्कॉटिश क्रिकेट यूनियन कैसे ठुकरा सकते थे। 45,000 pounds का 2003 में राहुल द्रविड़ के साथ करार किया गया 12 मैचों के लिए, 3 महीनों के लिए। 3 महीनों तक उनके साथ रहे, 12 में से 11 मैच खेले राहुल द्रविड़, 61 की औसत से रन बनाए, स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के साथ अपना अनुभव साझा किया और एक तरह से उनके मेंटोर की भूमिका में भी थे। हालांकि स्कॉटलैंड की टीम वो मैच नहीं जीत पाई, 11 में से 2 ही मैच जीती क्योंकि बाकी टीम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। राहुल द्रविड़ ने तो अपना काम किया, अच्छे रन बनाए लेकिन बाकी टीम में कुछ नहीं था। लेकिन राहुल द्रविड़ ने उस टीम को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया उन दिनों में कि 2-3 साल के अंदर ही स्कॉटलैंड ICC का मेंबर बन चुका था। तो राहुल द्रविड़ का जलवा वहाँ भी बरकरार था, राहुल द्रविड़ का जलवा आज भी बरकरार है। राहुल द्रविड़ खेले, बहुत से लोगों को नहीं पता था क्यों खेले, तो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की क्यों खेले, कितने मैच खेले, 2003 वर्ल्ड कप के बाद खेले, 12 मैचों का करार था, उन 3 महीने में स्कॉटलैंड के 12 मैच होने थे, 11 मैच राहुल द्रविड़ खेले, 60 की औसत से रन बनाए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।